नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है कि नहीं। मतलब जो मैं अभी ऑडियो आपको बता रही हूँ, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं, तो मैं और मेहनत करूँगी। क्योंकि ठीक है, अभी आप लोगों का मूड थोड़ा सा वैसे भी होगा क्योंकि अभी पेंडेमिक गया नहीं है, बट स्टिल पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी है। स्कूल में जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, तो पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी है। कभी ना कभी तो ये जाएगा ही जाएगा, और कभी क्यों, जल्दी ये पैंडेमिक खत्म होगा। एनीवे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ करंट ऑफ 15 एम्पियर इज पास थ्रू अ मेटल स्ट्रिप। द करंट इज ऑफ 15 एम्पियर। इट इज पास थ्रू अ थिन मेटल स्ट्रिप विच इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। करंट इज 15 एम्पियर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली perpendicular to the current. If the thickness of the strip in the direction of magnetic field is, this is the thickness of a strip and it is in the direction of magnetic field, so this thickness is around 0.5 millimeter and the Hall voltage is how much? It is 55 volt, then the electron density it is asking. ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ना, तो आप इसमें आप देखिए क्या करेंगे। सी, यू नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स इट इज़ आस्किंग अबाउट एन डी। ये पूछ रहा है डोनर कंसनट्रेशन। दैट मीन्स वॉट यू हैव टू डू, यहाँ पे थिकनेस, एक्चुअली जो थिकनेस है यहाँ पे, हेयर द थिकनेस रिफर्स टू विड्थ एंड दिस इज 0.5 मिलीमीटर। ओके, आपको पता है अकॉर्डिंग टू हॉल इफेक्ट वी एच इज द हॉल वोल्टेज एंड दिस इज इक्वल टू बी आई बाय रो डब्ल्यू। B is the magnetic flux density, I is the current, rho is the resistivity and W is the thickness. Okay, so now actually you know that this actually one minute, this is rho na? Yes, I have already told you that RH kya hota hai. Actually this rho is charge density. ये जो रो है, दिस इज चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? इट इज एन डॉट क्यू। एन डॉट क्यू होता है ना। अब आप यहाँ देखिए, एन डी जो डोनर कंसेंट्रेशन है, दिस इज इक्वल टू एन एंड दिस इज इक्वल टू वॉट? यहाँ से आप निकाल लेंगे, ये जो है आप, मैं इसको लिख भी सकती हूँ कि बी आई अपॉन दिस इज वॉट एन डॉट क्यू डॉट डब्ल्यू। तो अगेन वॉट इट विल कम एज बी डॉट आई अपॉन एन डी एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज डब्ल्यू। तो एन डी इज इक्वल टू एन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो बी डॉट आई अपॉन वी एच इंटू क्यू इंटू डब्ल्यू, ये वैल्यू होगी। ठीक है, ये वैल्यू होगी ना। अब आप इसमें देखिए कि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 1.5, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ दिस इज़ 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 15 एम्पियर इज़ द करंट, हॉल वोल्टेज इज 55 वोल्ट एंड चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एंड थिकनेस इज हाउ मच? इट इज़ अराउंड 0.5 मिलीमीटर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ मिलीमीटर को मीटर में, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट, एन डी इज इक्वल टू 5.1136 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम्स पर मीटर क्यूब। सो द आंसर विल बी दिस मच। प्लीज कीप द कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, मैंने आपको पहले बताया था द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मोबिलिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मोबिलिटी इज द इक्वल टू द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज वॉट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, यही यूनिट होती है ना मोबिलिटी की। सो इट इज़ वॉट ड्रिफ्ट, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, इज इट डिफ्यूजन वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड? नो, इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड? रॉन्ग, नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी सेकेंड का बी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? आप प्लीज़ इसको पॉइंट नोट करिए, रखिए। नेक्स्ट इज द मैच द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, यहाँ पे आपको सेवरल इक्वेशंस दिए हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, आइंस्टीन्स इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन एंड डिफ्यूजन करंट। ओके, यहाँ पे देखिए तो पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे जो ये आपका व्हाट हैपेंस कि यू नो दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा इट विल बी कंटिन्यूटी इक्वेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर एनर्जी
माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी विद टाइम मतलब पी का 4 होगा। आइंस्टीन इक्वेशन इज रिलेट्स डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट विद मोबिलिटी, क्यू का 1 होगा। पॉइजन्स इक्वेशन रिलेट्स चार्ज डेंसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका ये होगा। एंड डिफ्यूजन करंट रिलेट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स आपको पता है कि जो ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है दिस इज़ वॉट इट इज़ इक्वल टू क्यू इंटू डी एन इंटू डी एन ऑफ एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। और जो आपका ये होल करंट डेंसिटी है, जो होल डिफ्यूजन डेंसिटी है, दिस इज़ माइनस क्यू डी पी इंटू डी पी एक्स बाय डी एक्स, यही होगा। अब यहाँ पे डी पी और डी एन क्या है, दिस इज़ होल एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कॉफिशियंट। एन एक्स और पी एक्स क्या है, प्रोफाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड पी एक्स क्या है, प्रोफाइल ऑफ होल्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब ओवरऑल, चलो ओवरऑल करंट डेंसिटी तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका, जैसे यहाँ पे जैसे मैं आपको एक इक्वेशन बता देती हूँ, जैसे आइंस्टीन रिलेशन क्या है, व्हाट इज़ योर आइंस्टीन रिलेशन, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो आपका आइंस्टीन रिलेशन है इट इज़ डी एन बाय म्यू एन इज इक्वल टू डी पी बाय म्यू पी इज इक्वल टू के टी बाय क्यू इज इक्वल टू वी टी, ये आइंस्टीन रिलेशन है। दैट्स वाई इट इज़ रिलेटिंग डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट विद मोबिलिटी। फिर आपका आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। जो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो क्या है, आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन इज रेट ऑफ चार्ज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी विद टाइम। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम इसमें, देखिए ये होगा आपका डी ऑफ डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू डी एन एंड दिस इज डेल टू डेल एन, ओके, बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल एन बाय टी एन, ठीक है। और क्या होगा इसमें, देखिए डी ऑफ डेल्टा पी बाय डी टी एंड दिस इज इक्वल टू डी पी डेल टू डेल पी बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल पी अपॉन टी पी। अब यहाँ आप देखिए जो आपका डेल पी और डेल एन है ये क्या एक्सिस कैरियर कंसंट्रेशन है, ये एक्सिस कैरियर कंसंट्रेशन है। एंड जो आपका टाउ एन और टाउ पी है ये है आपका कैरियर लाइफ टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लोग खुद सर्च करके आएंगे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन ही तो थी सॉरी कंटिन्यूटी इक्वेशन बता दी, आइंस्टीन रिलेशन बता दी, पॉइजन्स इक्वेशन क्या होती है। वैसे तो पॉइजन्स इक्वेशन जो होती है, अगर मैं ईएमएफटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो डेल स्क्वायर जे इज इक्वल टू माइनस रो वी बाय एप्सिलॉन। अब मुझे आप जो है पॉइजन्स इक्वेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इसकी क्या वैल्यू होती है पॉइजन्स इक्वेशन की, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लिख के ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना पढ़ाई की तरफ इच्छुक हैं, कितना आप लोग कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से रिलेट करती है, पॉइजन्स इक्वेशन रिलेट्स चार्ज डेंसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आइंस्टीन रिलेशन रिलेट्स डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट विद मोबिलिटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन रिलेट्स रेट ऑफ, ये चेंज होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी विद टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इतना आपको पता चल गया, ठीक है। और मुझे ये जो है आपका ये वाली इक्वेशन, ये आप मुझे बताएंगे कि पॉइजन्स इक्वेशन कौन सी होती है। नेक्स्ट है अ हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर कैन बी यूज टू मेजर, सी जो आपका हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर है इट कैन बी यूज टू मेजर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉल क्वेश्चन, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, टेक इट एज फिफ्थ, ओके। द हॉल कॉन्स्टेंट इन अ पी टाइप सिलिकॉन बार इज गिवन बाय दिस मच, द होल कंसेंट्रेशन इन द बार इज, सी इस क्वेश्चन में होल कंसंट्रेशन पूछ रहा है, दैट मीन्स आपको पता है दिस इज़ योर होल कोफिशियंट एंड इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एन डॉट क्यू, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एन ए भी लिख सकती हूँ और मैं इसको पी भी लिख सकती हूँ, सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन आर एच इन टू क्यू, यही लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए
एन ए, ये जो आर एच है, दिस विल बी इक्वल टू 4 × 10³, क्योंकि ये जो दिया है आपको, क्या दिया, ये गेट के में क्वेश्चंस आए, इसकी आप नोटबुक बना लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चंस करिए, एंड इंटू 1 अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्स। तो ये जो है आपका, जब आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ओके, तो आपका कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 15.625 × 10⁴ पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आप मुझे, आपका होमवर्क है, मुझे कंटिन्यूटी, ये सॉरी, ये पॉइजन्स इक्वेशन बताएंगे, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द चार डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टिल देन।